हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से। कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। बम्पर नंबर की सीट होने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जॉब आएगा। तो अगर इस जॉब से रिलेटेड आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि RPF में कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट आई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत। वैसे तो टोटल सीट्स 4606 सीट आई है, लेकिन टोटल पोस्ट जो कांस्टेबल के लिए है वो 4208 सीट रहने वाला है। अप्लाई डेट की अगर बात करी जाए तो ये फॉर्म आपका 15 अप्रैल से ऑनलाइन होगा और लास्ट डेट टू अप्लाई 15 मई रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म का फी क्या रहने वाला है। जनरल और OBC से 500 रुपीज लिया जाएगा और अदर जो भी कैंडिडेट है EWS, SC, ST ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे यहाँ पर 250 रुपीज लिया जाएगा। ये फी आपका रिफंडेबल होता है। CBT 1 का एग्जाम जब आप दे देते हो उसके बाद आपका 500 में से 400 और 250 का 250 टोटली आपका रिफंडेबल हो जाता है, वापस आपके अकाउंट पे सेंड कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होने वाली है। एट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि एज किस डेट से कैलकुलेशन होगा है एज का। 1 जुलाई 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 28 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल होंगे, मतलब कि 18 टू 28 इयर्स के कैंडिडेट्स इलिजिबल रहने वाली है। और उसके बाद रिलैक्सेशन आपको मिलता है OBC को 3 इयर्स का और SC ST को मिलेगा 5 इयर्स का। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरली पता है कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिंपली जिन्होंने भी 10th पास कर रखा है सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज पर ऑनलाइन होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद फिजिकल में PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। देन DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल, तब जाके ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। चलिए आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं स्टेज वाइज स्टेज क्या होगा। जैसा आपने देखा कि अभी पहले स्टेज पर एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के लिए। समय मिलेगा आपको 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग है। सो बी अवेयर, ध्यान पूर्वक आंसर टिक कीजिएगा। 1/3 आपका डिडक्ट किया जाएगा फॉर रॉन्ग आंसर। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करी जाए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस होंगे और GK GS के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होंगे। जो मेजर आपका वेटेज रहेगा वो GK GS, जिसमें कि आपका जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, साइंस यानी विज्ञान और कंप्यूटर सब कुछ मिक्स करके 50 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो फोकस इस पे ज्यादा करिएगा। अब जबकि आप एग्जाम पास कर लेंगे तब आपका होता है PMT एंड PET जो कि फिजिकल होता है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका PMT में हाइट मेजरमेंट होता है। मेल कैंडिडेट का मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर, SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए आपका जो हाइट है मिनिमम 157 सेंटीमीटर, SC ST फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी होती है PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपके शारीरिक क्षमता का परीक्षण होता है जिसमें रनिंग होती है। 1600 मीटर की रनिंग, मतलब 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल के लिए, उनको 5 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होती है 14 फीट फॉर मेल एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका हाई जंप होता है 4 फीट फॉर मेल एंड 3 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो दिस इज योर ओवरऑल फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या सब आपका फिजिकल के समय होगा। जब फिजिकल क्वालिफाइड हो जाओगे तो DV होगी, देन क्या होगा आपका मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है।
सबसे पहली बात ये कि एग्जाम सेंटर से रिलेटेड आपके मन में क्वेरीज आएंगे कि एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा। फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो आप जब फॉर्म फिल करते हो उस टाइम अपने नियर बाय सिटी में ही आपको चूज करना होता है, जहां आप सेंटर चूज करोगे वहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड थिंग ये कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब कहाँ करना पड़ेगा। देखिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी होती है, RPF के थ्रू आपको जहां पर भी एलोकेट किया जाएगा आपको ऑल ओवर इंडिया में सर्व करना पड़ सकता है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर्व करेंगे तो सैलरी क्या होगी, चलिए मैं क्लियर कर देती हूं। योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी 21,700, मतलब 22,000 के करीब सैलरी से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्स अलाउंसेस एंड पर ईयर की इंक्रीमेंट आपकी सैलरी 69,100, मतलब 70,000 के करीब सैलरी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है और रेलवे ने ये गारंटी दी है कि अब हर वर्ष वैकेंसी कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा आप रेलवे का एग्जाम कैलेंडर भी देख पा रहे होंगे, वेरियस पोस्ट के लिए समय समय पर आपका अभी एग्जाम आने वाला है। तो सिर्फ RPF ही नहीं, रेलवे के अदर पोस्ट के लिए भी आप सेम ही सिलेबस है, तैयारी जम के करिए। किसी एक पोस्ट के लिए तो सिलेक्शन ले ही लेना है इस बार। आई होप कि इस पोस्ट से रिलेटेड मैंने जो भी जानकारी दी है आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे। कहीं पर भी इससे रिलेटेड मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके क्वेरीज को वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।